दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने पिछले कार्यकाल में अंतिम समय में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 3 सदस्य थे, जो कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं और कितने पद सृजित किए जा सकते हैं, इनकी समीक्षा करने के लिए वो कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बनाई गई थी। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट कभी पब्लिक डोमेन में आई ही नहीं, या फिर ये कहें मीडिया में आई ही नहीं। मीडिया ने जब ये कमेटी बनाई थी, तब सभी न्यूज़पेपर में और सभी जगहों पर ये प्रकाशित किया गया और जोर शोर से ये प्रचार किया गया कि वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए नए पद सृजित करने के लिए एक कमेटी बनाई है। लेकिन फिर उसी मीडिया द्वारा कभी सरकार से ये नहीं पूछा गया कि आखिर उस कमेटी की रिपोर्ट आई क्यों नहीं। इतनी ज़्यादा समय हो चुके हैं, लगभग 7 से 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की भी या नहीं, ये भी मीडिया के द्वारा सरकार से नहीं पूछा गया। और अभी हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा सभी जिलों में कितने पद रिक्त हैं, इसका ब्यौरा मांगा गया था, जिसमें कई जिलों के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें लगभग सभी जिलों के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं। लेकिन ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में, या फिर ये कहें मीडिया में, मीडिया से आम जनता तक नहीं पहुंचे हैं। इसी को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में रोष है। आप स्क्रीन पर लेटर देख पा रहे होंगे, जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा निदेशालय को देना प्रस्तावित है। आप स्क्रीन पर देखिए, सचिव बेसिक परिषद को यह पत्र लिखा गया है। विषय दिया है शिक्षक छात्र अनुपात का डाटा मीडिया में सार्वजनिक किए जाने के संबंध में। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसा कि विदित है, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल में ही पत्रांक संख्या में रिपोर्ट मांगी गई थी। समस्त जनपदों का आंकड़ा परिषद को प्राप्त हो रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है, शिक्षक छात्र अनुपात का डाटा सभी समस्त जिलों का मिलाकर मीडिया में सार्वजनिक करने की कृपा करें। शिक्षक छात्र अनुपात पर आगामी भर्ती निर्भर करती है, अतः शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में न जोड़ा जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों लाख प्रशिक्षितों के लिए यही न्याय संगत होगा। तो अब देखना होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो नए आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनमें शिक्षा मित्रों को शिक्षा के तौर पर काउंट किया जाता है अथवा नहीं, क्योंकि विधानसभा में जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, तो उसमें शिक्षा मित्रों को भी काउंट किया गया था शिक्षक के रूप में। इसकी वजह से यहाँ पर 26 छात्रों पर एक शिक्षक दिखाए गए थे। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा इन सभी आंकड़ों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी अभ्यर्थी इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को ये पत्र देने वाले हैं और उनसे गुहार लगाने वाले हैं कि जो सही आंकड़े हैं वो मीडिया में प्रस्तुत किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।